बजट एक्शन कैमराज का रिजेक्शन इसलिए कर देना कि उनका लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता ठीक रहेगा। कुछ भी कहने से पहले चलिए एक बार इस बजट एक्शन कैमरा का लो लाइट परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि कैसा रहेगा। मेरे हाथ में जो कैमरा है वो है कैसोन का CX11। ये कैसोन की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च किया गया एक्शन कैमरा है। ये एक एक्शन कैमरा है और सभी जानते हैं कि एक्शन कैमरा का सेंसर साइज छोटा होता है और उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत खराब होती है। परंतु आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक बजट एक्शन कैमरा से ही आप अच्छी वीडियो क्वालिटी ले पाए या आपकी उम्मीदों पे ये पानी फेर देगा। चलिए देखते हैं एक बार। प्रेजेंटली ये वीडियो मैं 4K 30fps के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन यहाँ पे ऑन है और कैसी वीडियो क्वालिटी मिलती है एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर, क्योंकि 8:30 बजे के आसपास का रात का टाइम है और एक स्ट्रीट लाइट ही यहाँ पे है, उसी के साथ मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में होती है या फ्रंट में होती है तो कैसी ये वीडियो क्वालिटी देगा उसका एक बार आपको अंदाजा हो जाए। 4K 30fps। अब ये जो वीडियो प्रेजेंटली आप देख रहे हैं वो 1080p 60fps के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे 30fps का ऑप्शन मिलता नहीं है 1080p के ऊपर, दैट्स वाई 60fps के ऊपर यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इस तरह की कुछ वीडियो क्वालिटी इसके साथ आपको मिलेगी। स्टेबलाइजेशन ऑन है और कैसी है वीडियो क्वालिटी एक बार उसका अंदाजा आपको हो जाए। यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरे लाइट है, स्ट्रीट लाइट के साथ ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और प्रेजेंटली अब जो ये वीडियो है ये ऑटो लो लाइट कंडीशंस के अंदर है। ऑटो लो लाइट कंडीशंस के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, परंतु वीडियो क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। आप पोस्ट प्रोडक्शन में या आप एडिटिंग में कुछ स्टेबलाइजेशन दे सकते हैं, बट यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव नज़र आती है। बैकग्राउंड में भी अगर आपके लाइट है तो भी आप देखिए चेहरे के ऊपर आपको ठीक ठाक नज़र आता है। तो कुल मिला के एक अच्छी वीडियो क्वालिटी इसके साथ मिल जाती है ऑटो लो लाइट कंडीशंस। एंड ऑटो लो लाइट कंडीशंस के साथ ये है वीडियो क्वालिटी 1080p 60fps के ऊपर। हालांकि यहाँ पे मैंने बताया था कि स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, बट एक इम्प्रूव्ड वे में लाइटिंग कंडीशंस यहाँ पे ठीक ठाक मिलेंगी, अच्छी लाइटिंग कंडीशंस मिल जाती हैं। एंड स्टेबलाइजेशन आप उसको बाद में प्रोडक्शन के दौरान या एडिटिंग के दौरान आप ठीक कर सकते हैं। पर इस एक्शन कैमरा को एक्शन कैमरा के साथ साथ एक व्लॉगिंग कैमरा बनाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में एक छोटी सी यहाँ पे फ्लैश लाइट आपको दिखाई देती है, जो नाइट लाइट या लो लाइट के अंदर आपकी हेल्प कर सकती है जब आप व्लॉगिंग करेंगे। मींस इसके पास होंगे तो ही लाइट काम करेगी, क्योंकि ज्यादा दूर जब लाइट सजाते हैं लाइट की इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है, तो इसलिए पास में व्लॉगिंग आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प। इसकी ऑटो लो लाइट एंड जो फ्लैश लाइट है वो दोनों ही ऑन कर रखी है। और अच्छी चीज मुझे इस फ्लैश लाइट का फायदा ये लगा कि आप चाहे कितने भी अंधेरे में क्यों ना चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, मैं यहाँ पे डार्केस्ट एरिया के अंदर भी मूव करता हूँ जहाँ पे किसी टाइप की कोई लाइट नहीं आ रही है, तो भी आपको अच्छी फुटेज यहाँ से आपको मिल सकती है। एंड ये 1080p 60fps के ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि ऑटो लो लाइट भी मैंने इसके साथ ऑन कर रखा है। तो 4K 30fps के ऊपर ऑटो लो लाइट प्लस यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी। तो आई थिंक 4K के अंदर भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइटिंग कंडीशंस के अंदर। तो प्रेजेंटली मैंने इसका ऑटो लो लाइट का जो ऑप्शन था वो ऑफ कर दिया है, फ्लैश लाइट सिर्फ ऑन है। और ऑटो लो लाइट ऑफ करने के बाद यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन हम कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली मैंने इसके ऊपर स्टेबलाइजेशन ऑन कर दिया है तो पहले से ज्यादा स्टेबलाइज्ड फुटेज है, बट यहाँ पे मुझे काफी अंधेरा नजर आ रहा है। बट लाइटिंग कंडीशंस की बात करें तो फ्लैश लाइट के कारण यहाँ पे काफी हमें जिसके अंदर बिल्कुल डार्केस्ट एरिया के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहां पे भी कुछ अच्छी फुटेज यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड दिस इज द वीडियो क्वालिटी एट 1080p 60fps। एंड यहाँ पे ऑटो लो लाइट ऑफ है एंड जो नॉर्मल सेटिंग्स है वही है, स्टेबलाइजेशन ऑन है और फ्लैश लाइट ऑन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे डिजाइनिंग में भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया। हालांकि उससे कोई प्राइस में फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कंपनी अगर इस तरह का इनोवेटिव काम करती है, बट यहाँ पे किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके फ्रंट के ऊपर यहाँ पे एक हॉट शू माउंट दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप एक्सटर्नल माइक यहाँ पे लगा सकते हैं दिन के टाइम पे, और रात के टाइम पे अगर आप वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक लाइट आप छोटी कोई भी छोटी सी लाइट इसके ऊपर लगाई जा सकती है, जो कि व्लॉगिंग में आपकी काफी हेल्प कर सकता है। और चाहें तो माइक और लाइट दोनों लगा सकते हैं। क्या इसके ऊपर लाइट लगाने से कोई फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो ये जो वीडियो है प्रेजेंटली 1080p 60fps के ऊपर है। यहाँ पे मैंने अब इसका जो हॉट शू माउंट था उसके ऊपर लाइट को लगा दिया है, और लाइट लगाने के बाद तो यहाँ पे सिचुएशन अलग ही बदल गया। प्रेजेंटली ये 1080p 60fps के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, स्टेबलाइजेशन ऑन है।
4K 30fps के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट लगाई है मैंने इसके ऊपर हॉट शू माउंट के ऊपर, तो ये कुछ वीडियो क्वालिटी मिलती है। एंड छोटी सी लाइट भी अगर आप इसके ऊपर लगा लेते हैं तो काफी अच्छा व्लॉगिंग सेटअप हो जाता है। और ये जो वीडियो क्वालिटी प्रेजेंटली आप देख रहे हैं वो है 4K 60fps के ऊपर, तो कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी मिलेगी अगर आप इसका लाइट के साथ यूज करते हैं। एक्सटर्नल लाइट मैंने यहाँ पे लगाई है और 4K 60fps के ऊपर भी सबसे अच्छी क्वालिटी इसके साथ आपको मिलने वाली है। तो इस छोटे से स्टेप ने ही काफी कुछ चेंज कर दिया, इसको पूरी तरह से एक व्लॉगिंग कैमरा बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इस तरह का केस आपको मिल जाता है जिसके ऊपर आपको एक हॉट शू माउंट मिल पाए, तो आप किसी भी एक्शन कैमरा के साथ अंधेरे में भी अच्छी वीडियो क्वालिटी ले सकते हैं। और रही बात ऑडियो की, तो इस एक्शन कैमरा के साथ एक्सटर्नल माइक दिया गया है जिसको आप लगा के एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी इस एक्शन कैमरा से ले। फाइनली बात करें तो इसका खुद का जो ऑटो लो लाइट का ऑप्शन था काफी अच्छा था, बट वहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। स्टेबलाइजेशन आप आजकल जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं सबके अंदर मिल जाता है, आप कर सकते हैं वहाँ पे स्टेबलाइज। दूसरा, वहाँ पे स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो सामने फ्लैश लाइट दी गई है, उससे भी काफ़ी हद तक अच्छी फुटेज मिल जाती हैं। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट कर लेते हैं और इसके हॉट शू माउंट के ऊपर आप एक एक्सटर्नल लाइट यहाँ पर लगा पाएँ तो बेस्ट क्वालिटी की वीडियो फुटेज मिल जाएंगी। इवन अगर इस सेटअप की बात करें तो ये आपके एक्सपेंसिव सेटअप को भी फिल कर सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर और थोड़ी सी एडिटिंग स्किल्स के ऊपर। तो उसके बारे में भी फ्यूचर में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप कुछ और सेटिंग्स में यहाँ पे चेंज करके आप अच्छी वीडियो फुटेज इवन लो लाइट के अंदर भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एडिटिंग स्टेप्स की हेल्प से भी आप वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी तक का ये मिथ कि बजट एक्शन कैमरा से अच्छी वीडियो क्वालिटी लो लाइट्स में नहीं मिलेगी, वो नहीं है। लो लाइट्स में एक्सपेंसिव से भी नहीं मिलती, बजट में आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा बजट और बढ़ा के ये सेटअप आप तैयार कर लीजिए और आप कहीं पे भी, इवन रूम के अंदर चाहें या कहीं पे भी होंगे, वहीं पे आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी इन एक्शन कैमराज के साथ आपको मिलेगी। आपके बार बार बहुत सारे मैसेज और क्वेश्चंस मुझे मिल रहे थे कि इसका लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा है, और मेरी कोशिश थी कि आपके मैसेज का सिर्फ टेक्स्ट में नहीं एक पूरा वीडियो बना के जवाब दिया जाए। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। अंधेरे में भी इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस वाज ऑल ऑफ अस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।